नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में शॉपकीपर को देखना कैसा होता है। अगर आपको सपने में शॉपकीपर दिखाई दे तो ये शुभ होता है या अशुभ होता है, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब आपको दिया जा सके। अब चलिए बात कर लेते हैं सपने में शॉपकीपर देखना कैसा होता है। अगर आप सपने में शॉपकीपर को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? जैसा कि अगर बात करी जाए, हमारे भारत में शॉपकीपर को लाला बोला जाता है, कहीं कहीं इसको पंसारी भी बोला जाता है, और कहीं कहीं इसको कुछ और भी नामों से जाना जाता है, सेठ वगैरह नामों से। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको सपने में पंसारी या लाला या आपको जो है सेठ वगैरह दिखाई दे सपने में, या शॉपकीपर दिखाई दे जिसके साथ आप शॉपिंग वगैरह करते हैं या खरीदारी कर रहे हैं उसकी दुकान पर, तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको रुका हुआ धन मिल सकता है। इसके अलावा आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। खासकर अगर महिलाएं इस सपने को देखें तो उनको धन लाभ होने की संभावना रहती है। ऐसा हो सकता है कि वह अतिरिक्त आय जनरेट कर सकती हैं, या उनके पिता से, या उनके पति से, या उनके पितृ के माध्यम से उनको धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कोई उनका जो मित्र वगैरह है उनको उपहार स्वरूप धन का जो है उपहार दे सकता है, जो कि एक अच्छा सपना कहा जा सकता है। हालांकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, जिससे आप अतिरिक्त शॉपिंग वगैरह कर सकती हैं।